जनपद संभल के चंदोसी विधानसभा से विधायक गुलाब देवी का विभाग बदलकर माध्यमिक शिक्षा विभाग का राज्य मंत्री बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। जब पत्रकारों ने प्रेस वार्ता के दौरान उनसे समाजवादी पार्टी की सरकार में कद्दावर नेता मंत्री रहे आजम खान के ऊपर इतने मुकदमे होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी न होने के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि कोई भी कितना बड़ा कद्दावर नेता हो, उसको इस सरकार में उसके किए की सजा मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो दायित्व मुझे सौंपा है, मैं उस दायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ में, लगन के साथ में और परिश्रम के साथ में, ईमानदारी के साथ उसको पूरा करने का प्रयास। क्षेत्र में शिक्षा विभाग में जो भी कमियां रही हैं, क्योंकि मैं स्वयं से, मैंने 40 साल इस शिक्षा विभाग में ही काम किया है, मैं स्वयं में शिक्षक रही हूँ, तो मुझे विद्यालयों की बहुत कुछ समस्याएं जानकारी में हैं। जैसे विद्यालय में शिक्षकों की कमी होना, कहीं कहीं शिक्षकों के इतना इस प्रकार की व्यवस्था होना कि बच्चे कम हैं और शिक्षक ज़्यादा हैं, और कहीं बच्चे ज़्यादा हैं और शिक्षकों की कमी है, ये सारी इस प्रकार की चीज़ें रहीं। हमारी सरकार का ये भी प्रयास है कि हम परीक्षा के दिनों में कहीं पर भी नकल ना होने दें। पूरा प्रदेश जो है वो नकल से वंचित है। कहीं कोई छुटमुट की शिकायतें हैं, उस पर हम पूरा ध्यान रखेंगे और हमारा यही प्रयास रहेगा कि कहीं पर भी नकल ना हो और बच्चे अपने परिश्रम के आधार पर आगे बढ़ें। मंत्री, एक आजम खान जी पर, आजम खान जी की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि 20 सितंबरम पर आरोप लगे थे और जेल भेज दिया गया उनको? क्या कद्दावर नेता होने के कारण बीजेपी सरकार में वो भारी पड़ रहा है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? कानून के समक्ष कोई भी कद्दावर नेता नहीं होता है। अगर कद्दावर नेता होते तो उनके ऊपर इस प्रकार के जो मुकदमे, सही मुकदमे लगे हैं, वो ना लगते। और ये कानून की बात है, कानून उनके ऊपर लागू होगा। लागू तो हो चुका है, मगर अभी तक जेल जाने वाला सवाल था, जेल क्यों नहीं जा रहे, जबकि बड़े बड़े जेल जा रहे हैं? निश समय आने पर और व्यवस्था होने पर जो भी कानून के द्वारा उचित होगा वैसे किया जाएगा।